मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम ब्लॉगर। तो दोस्तों, आज ही बहुत खास दिन है क्योंकि आज है एनडीए, सीडीएस, एफगेन सभी का एग्जाम्स का डे। आज ये कंडक्ट होने वाले हैं एग्जाम। तो दोस्तों, आज हम तो देने वाले हैं सीडीएस का एग्ज़ाम एंड और सभी एग्जाम्स वाले दोस्तों को और फ्रेंड्स को बेस्ट ऑफ लक। आग लगा देना, छोड़ देना यार, अपने एलन भाई है ये भी देने जा रहे हैं सीरियस। दोस्तों चलिए चलते हैं और एग्जाम हॉल के सामने देखते हैं कैसा माहौल है। ये देखिए दोस्तों, पीछे ट्रेंड्स का मॉल निकल गया, बहुत ही जबरदस्त मॉल है ट्रेंड्स का। जो कौन सी जगह है एलन भाई? है कुबेरपुर। दोस्तों अभी हम कुबेरपुर आ गए, कुबेरपुर। तो हम आ गए अपने आगरा कॉलेज मेन कैंपस। दोस्तों आज यहाँ पे अपना एग्ज़ाम है एनडीए सीडीएस। दोस्तों हम देने आए हैं सीडीएस और यहाँ पे अब लोगों से पूछते हैं दोस्तों से कैसा क्या जोश है उनका। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। हाँ भैया, कैसा क्या जोश है? बढ़िया है भाई, आग लग जाएगी। और क्या, आग लगा देंगे, आग लग जाएगी। इन भाई का जोश वेरी वेरी हाई है। और पूछते हैं, और भैया कैसी क्या प्रिपरेशन है, जोश कैसा है? क्या आप पेपर देने आए किसका? सीडीएस का। तो भाई जोश किधर है आपका? जोश भाई सही है, सही है, मतलब साइलेंट फॉर्म है, सही है। इन भाई साहब से पूछते हैं, पेपर देने आए हो किसका? सीडीएस का। तो जोश कैसा है? नॉर्मल जोश है भाई का, यहाँ पे तो नॉर्मल है सब कुछ। मैम आप किसका देने आए हो पेपर? सिस्टर का है। अच्छा, इनकी सिस्टर का है, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोल देना। दोस्तों यहाँ पे भी पूछते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अपने बैग जमा करा रहे हैं पीछे। तो इन भाई से पूछते हैं, बहुत जोर की तैयारी करके आए हैं, बहुत जोर की पेपर को मैं आग लगा दो। एटम बम वाली एटम और इन भाई से पूछते हैं, और भाई किसका एग्जाम है आपका? देने तो कुछ आए, देने आए हो कुछ? कुछ में तो बहुत कुछ आ जाता है, कुछ तो दे जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ दे जाओगे? तो जोश कैसा है फिर कुछ देने का? बस इतना है कि तीन पेपर पास हो जाएंगे। वाव, ऐसा जोश चाहिए। थैंक यू दोस्त, बेस्ट ऑफ लक भाई ऐसे जोश के लिए। एक्सक्यूज मी मैम, आप किसका एग्जाम देने आए हो? सीडीएस का। तो मैम का सीडीएस का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। और कैसा जोश है? जोश तो होना चाहिए ना, सीडीएस है, कोई खीर तोड़ा ही है। तो और पूछते हैं दोस्तों से, इन भैया से पूछते हैं, किसका एग्जाम देने आए हो? भाई सीडीएस का देने आए। सीडीएस का। तो जोश कैसा है? जोश तो भाई बिल्कुल हाई है, वेरी हाई। क्या लगता है, आग लग जाएगी? नहीं भाई, एयरफोर्स का हो गया है एनरोलमेंट आने वाला है। दैट बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो दोस्तों जोश बहुत ही आई है। दोस्तों मैं पेन लाना भूल गया था, सो इन भैया ने मुझे दे दिया, थैंक यू भैया। और आप पेपर देने आए हो किसका? तो जोश कैसा है, क्या लगता है, आग लग जाएगी? ना लग रही। तो दोस्तों इन मैम से पूछते हैं, मैम पेपर देने आए हो? मैम नहीं बताएंगी। ये नहीं बता रहे, चलो कोई ना, थैंक यू भैया। दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल गाय है। तो दोस्तों अपना फाइनली इंग्लिश का पेपर हो गया है सीडीएस का। जैसे तो वैसे तो 6 घंटे का पेपर होता है इंग्लिश, उसमें दो तरीके होते हैं, एक IMA एक OTA। दोस्तों IMA में मैथ, इंग्लिश और GS आती है। तो हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया 2 घंटे का। अब यहाँ से इसके बाद आएगा अपना मैथ का, GS का। तो दोस्तों अब लंच टाइम है 1 घंटे का, फिर उसके बाद फिर दोबारा जाएंगे 2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद 1 घंटे का लंच टाइम होगा। दोस्तों ऐसे कुल मिलाकर 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है सीडीएस का।
तो अब लंच टाइम है तो लंच करते हैं और लोगों से रिव्यू लेते हैं एग्जाम पेपर का। तो देखिए, हेलो एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपका पेपर मतलब किस हिसाब का पेपर आया है आपके हिसाब से? अरे मैम थोड़ा बहुत, अरे लो आप बताओ, बहुत बेकार पेपर, कैसा पेपर हुआ? बहुत टफ आया पेपर, हमसे कुछ नहीं हुआ पेपर का। अच्छा, और देखते हैं टॉप वॉप तो मारूंगा मैं। अच्छा टॉप तो मारेंगे, सही है, पर बेस्ट ऑफ लक, बेहतर पेपर। और भैया, अच्छा मैम आप, तो मैम आप पेपर का रिव्यू देना चाहोगे? तो क्या देना चाहोगे रिव्यू में? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, सही है। देखते हैं रिजल्ट बताएगा वो तो आप सबका, और रिव्यू लेते हैं। करो भाई। हाँ भाई, ये बताओ कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा, एकदम बढ़िया, सही है। मैम आपका, मैम आप रिव्यू देना चाहोगे? तो दोस्तों यहाँ से, यहाँ पूछते हैं भैया से, कैसा पेपर हुआ आपका? बढ़िया, क्या लगता है आग लग जाएगी इंग्लिश के में? ऐसे तो बता भैया। अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं है अभी इतना, इन भैया से पूछते हैं। तो भैया किसका दिया आपने एग्जाम? हाँ सीडीएस का, इंग्लिश का हुआ होगा? इंग्लिश का हुआ। हाँ तो कैसा गया आपके हिसाब से पेपर, कैसा था? बढ़िया था, बढ़िया था, सही है। तो दोस्तों कुछ बता रहे हैं कि बहुत ही टफ था, कुछ बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया था, तो देखते हैं अब। तो दोस्तों अपना नाश्ता पानी हो गया है, अब चलते हैं अपने स्कूल में दोबारा, अभी तो टाइम है और लोगों से पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत और रिव्यू ले लेंगे। तो इन भाई साहब से पूछते हैं, पेपर दे दिया? किसका? सीरियस? तो कैसा कैसा गया पेपर? बोल नहीं सकते हैं लेकिन उतना भी सही नहीं गया। अच्छा, इस बार का कैसा आया तुम्हारे हिसाब से, कैसा लगता है, कैसा आया? मेरा पहला अटेम्प्ट था। हाँ तो अच्छा, पेपर कैसा आया आपके हिसाब से? ठीक था, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं था, पर टफ तो था, मतलब उतना भी ज़्यादा टफ था। और इन इनसे पूछते हैं, पेपर दिया आपने? हाँ दिया, हाय 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 बोल रहे हैं। तो क्या तुम्हारे हिसाब से कैसा लगता है, क्या फीडबैक है पेपर के बारे में? पेपर वैसे मतलब अच्छा भी था, खराब भी था, लेकिन मतलब लेवल बहुत हाई था उसका। अच्छा लेवल हाई था। हाँ तो दोस्तों जो मैंने जो पेपर दिया था, जो पहला पेपर था उससे थोड़ा अलग था, मतलब पैटर्न चेंज कर दिया। हाँ पैटर्न चेंज कर दिया है। तो दोस्तों थोड़ा सा यूपीएससी ने पैटर्न भी चेंज कर रखा है, पेपर भी टफ डाले हुए हैं। तो दोस्तों यही रिजल्ट निकलता है। अपना नाश्ता पानी हो गया है, अब चलते हैं कॉलेज के अंदर, अब होने वाला है जीएस का। दोस्तों ये अपना आगरा कॉलेज का पार्क व्यू, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक स्टैचू भी है, पता नहीं है कोई गंगाधर शास्त्री जी, एक संस्कृत स्कॉलर, इन्होंने ही बोला जाता है, इन्होंने ही 1823 में इसको फाउंड किया था आगरा कॉलेज को, जो और इससे पहले इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी 1857 में बनी थी, उसका नाम नहीं पता, बट पहली थी यूनिवर्सिटी इंडिया की। दोस्तों ये है अपना आगरा कॉलेज, अभी पेपर हुआ है, ये देखिए बिल्डिंग्स बहुत बड़ा है आगे इस गेट से, सामने से। तो दोस्तों ये अपना कॉलेज है, यहीं पे पेपर हो रहे हैं एनडीए सीडीएस के। दोस्तों 2 बज गए और अपना जीएस का पेपर हो गया है, मेरा तो बहुत ही खराब गया है दोस्तों, बहुत ही करारा पेपर आया है। तो जान गया कि और आप दोस्तों क्या बोलना चाहोगे इस जीएस के पेपर में? पेपर इतना ही जीता, इतना बढ़िया लग रहा है यार। पेपर के बारे में रिव्यू दे यार। मैडम बहुत बढ़िया थी। अच्छा पेपर की जगह में मैडम बहुत बढ़िया थी, वाह यार, हम भी ऐसे आते हैं ऐसे ऐसे दोस्त। देखिए दोस्तों पेपर का रिव्यू है, ये पेपर का रिव्यू। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो मैम आप पेपर का रिव्यू देना चाहोगे? मैडम वो बताइए। आगे मैम से पूछते हैं, तो मैम हेलो मैम, मैम आप पेपर का रिव्यू देना चाहोगे? दोस्तों
कैसा पेपर आया? अच्छा था, लेवल अच्छा था। इस बार का लेवल बहुत टफ था। तो दोस्तों कोई कुछ नहीं बता रहा है, सभी का पेपर आएगा, बहुत ही टफ हुआ है, तो शर्मा रहे हैं सभी लोग। सेल्फ अपने चैनल में बताएं। ये देखिए। हाँ भैया बताइए। मैडम की क्या मुस्कान थी। चलिए दोस्तों और दोस्तों से पूछते हैं। तो भैया पेपर का रिव्यू देना चाहोगे आप? मतलब कैसा पेपर आया इस बार का? इस बार का पेपर एकदम हार्ड आया, मतलब जीएस तो पता नहीं। आवाज निकल गई, मेरी भी आवाज निकल गई। और दोस्तों से पूछते हैं, कौन है? भैया आप पेपर का रिव्यू देना चाहोगे, कैसा पेपर आया इस बार का? अच्छा वो तो दिखाई पड़ रहा है। हेलो भैया, आप पेपर का रिव्यू देना चाहेंगे जीएस वाले का, कैसा गया, किस तरह का पेपर आया इस बार का? मैंने ले दिया भैया, भैया कुछ नहीं बोल, मतलब पेपर इतना ऐसा आया है, कॉम्प्लेक्स कांट से बोलना पड़ रहा है हमें। तो दोस्तों आप लेवल समझ सकते हो सीडीएस का पेपर होता है। जीएस? हाँ बोलो। हाँ भैया ब्लॉगिंग का चैनल है, ये मेरे दोस्त है। दोस्तों 2 घंटे के बाद भूख तो बहुत लगती है, ऊपर से पेपर और थे उसके हिसाब से तो भूख और ज़्यादा लगती है। मिटाने के लिए हमने ये ले लिए, यहीं पे ये पास में यही मिल रही है, तो भुट्टा ही खाते हैं अपना और मौज करते हैं। अब आगे मैथ का पेपर होने वाला है 2 घंटे के लिए, तो दोस्तों आगे चलते हैं मैथ के लिए, आके मिलते हैं, रिव्यू देते हैं मैथ का। दोस्तों अब मैथ के पेपर का रिव्यू देखते हैं, पूछते हैं भाई साहब से कैसा भैया, कैसा गया भैया मैथ का पेपर? बेकार हुआ। बहुत बेकार? हाँ भाई साहब। औरों से पूछते हैं दोस्तों, मैथ का पेपर कैसा हुआ भैया? बढ़िया हुआ इनका तो। दोस्तों रास्ते में अपनी एक्टिवा खराब हो गई थी, मतलब उसको सर्विस चाहिए थी। दोस्तों अब अपनी एक्टिवा की सर्विस हो रही है, ये अभी इसके एक्टिवा की सर्विस होगी तब हम घर रूम पे जा पाएंगे अपनी एलेंस अकेडमी। तब तक के लिए दोस्तों देखते हैं, सर्विस होने के बाद ही चलते हैं अब तो। तो दोस्तों फाइनली अपनी एक्टिवा ठीक हो गई है, रब्बो भाभी एकदम चमचमा रही है। ये 2.5 घंटे का कठिन परिश्रम है दोस्तों, आज अब इसको चला के और देखते हैं कितनी शाइनिंग से चलेगी, कितनी मक्खन चलने वाली है। फिर उसके बाद अब हम जाने वाले हैं अपनी अकेडमी, बहुत लेट हो गए, 8:30 बजे। तो दोस्तों हम फाइनली निकल आए उधर से, ये यहाँ पे अपनी रात का व्यू है अपने आगरा की रोड्स का। ओपी कहते हैं बतौरा में, ये देखिए। तो अब आने वाला है औसम व्यू तो ये है दोस्तों, ये हरी। और एलन भाई, ये अपने एलन भाई है, आज अपनी ये धन्नो रानी है ना, बहुत चमक गई है, एकदम मक्खन लगा के चल रही है अब ये। वाव अगला नाइट व्लॉग्स। तो दोस्तों हम फाइनली अपनी एकेडमी आ गए, बहुत थक गए यार। तो दोस्तों यही थी आज की ब्लॉगिंग थकावट वाली। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।